हेलो सर, मोनिशा का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। सर, आज का वीडियो होने वाला है दिवाली फायरवर्क स्टैश वर्थ रुपीज 5000 या 2000 या 3000। अभी मेरे को गाइस नहीं पता कितने के मेरे वाले फायरवर्क्स है, बिकॉज ये लास्ट ईयर के हैं। तो आज मैं इनको यार अनबॉक्स करने वाला हूँ। अभी मैंने न्यू स्टैश लिया है, बट ये वाले एकदम लास्ट ईयर वाले फायरवर्क्स है, जो कि आप बोल रहे थे कि यार इसको अनबॉक्स करके दिखाओ, बॉक्स टू बॉक्स ओपन करके दिखाओ। सो अभी का ये सीन है, अभी हो रही है बारिश, तभी मैं बाहर में वीडियो नहीं बना सकता गाइज। ये रहा अपना पुराना सेटअप, आप लोग यहाँ पे वीडियो पसंद करते हो देखना। तो ये अपना पुराना सेटअप गाइज, बस ये बारिश हो रही है तभी यहाँ पे अपन अभी वीडियो नहीं बना सकते। सो यार, जो मेरे फायरवर्क्स रखे हैं वो मेरे रूम पे रखे, जैसे कि आपको पता ही है। तो ये रहा फायरवर्क्स का बॉक्स, जिसको आज अपन अनबॉक्स करने वाले हैं, क्योंकि कुछ फायरवर्क्स बाहर भी पड़े हुए हैं। तो आज इसको अपन अनबॉक्स करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक ही मरते 1000 लाइक्स का, जल्दी से लाइक कर दो। एंड सो सॉरी गाइज, बाहर अपन फायरवर्क्स को अनबॉक्स नहीं कर पा रहे बिकॉज बारिश है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में होपफुली न्यू फायरवर्क्स को हम लोग बाहर अनबॉक्स करेंगे। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को तो सब्सक्राइब। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। सो यार, मैंने कैमरा को जैसे तैसे यहाँ पे सेट कर दिया है, तो एंगल थोड़ा सा अजीब है, बट कोई बात नहीं। सो यार, चलो बॉक्स को अपन अनबॉक्स करते हैं। सो देखो, इतना बड़ा बॉक्स है गाइस, काफ़ी भारी है। इसके अंदर काफ़ी सारे पटाखे एंड ये करीब करीब होंगे 3 से 4 हज़ार के पटाखे हैं इसके अंदर। तो इसको अपन जल्दी से खोलते हैं। तो पहले ये है ज्वाला वाला डीलक्स बॉम्ब, ठीक है। तो ये वाला अराउंड यार आपको मिल जाता है 80, 90, 100, 120, 150 रुपीज़ में। तो इसके अंदर कुछ ऐसे बॉम्ब होते हैं, इनको मैंने टेस्ट कर चुका है गाइस। तो टेस्टिंग वीडियो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में या रिकमेंडेड वीडियोज़ में। आप ये कुछ ऐसे वाले पटाखे आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे बजते हैं, काफ़ी तेज बजते हैं। एंड इसके बाद अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं यार ये वाले बुलेट बॉम्ब में। ये देखो कुछ इस टाइप का ये वाला बुलेट बॉम्ब होता है। तो यार ये वाले काफ़ी तेज बजते हैं यार। ये वाला मैंने अपनी लास्ट क्रैकर वीडियो में जलाया था, काफ़ी तेज़ फटा था, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये आपको अराउंड अराउंड मिल जाता है 40 से 50 रुपये का। ये देखो कुछ इस टाइप के होते हैं, एंड जिसमें यार थोड़े भारी होना और थोड़ी बारूद भरे रहे वो बहुत तेज बजते हैं, तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है ये बुलेट बॉम्ब के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट ईयर अपन बढ़ते हैं ये महाराजा वाले अशोका क्रैकर, बट इसके अंदर अनार है मेरे को लगा कुछ पटाखे होंगे। तो ये वाला काफ़ी अच्छा अनार है यार। अनार के आजकल काफ़ी सारी वैरायटी आ गई, काफ़ी सारे ब्रांड अपने अनार निकालने लगे। तो आपको अगर अनार अच्छे चाहिए जो कि भारी हो एंड आपको मिल जाएगा अराउंड 200 से 220 तक, तो वो वाले अनार अच्छे होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन ये वाले कुछ और फ्लावर पॉट्स में। ये तो मैंने आपको दिखा दिया था, सनशाइन ब्रांड के हैं गाइस। तो इनकी MRP अराउंड है 1000 रुपीज़ की, यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं यार ये वाले स्पेशल चक्कर में। ये कुछ इस टाइप की चक्री है, ठीक है। तो इनका अराउंड MRP है 450 रुपीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये कुछ इस टाइप की चक्री होती है, इन चक्री में भी आजकल काफ़ी सारी वैरायटी आने लगी है यार, तो काफ़ी सारी फट भी जाती है। ये वाली मेरी क्रैकर वीडियो में फट गई थी ये वाली चक्री, बट कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन चार्जिंग रेड। ये वाला स्काई शॉट है, इसको मैंने अपने बर्थडे के ब्लॉग में जलाया था, मेरे बर्थडे का ब्लॉग देख लेना, लिंक मिल जाएगा आपको रिकमेंडेड वीडियोज़ में। कुछ इस टाइप का स्काई शॉट है, ठीक है, काफ़ी अच्छा बजा था गाइस। तो ये हो गया। एंड यार इसमें एक मैंने 30 शॉट्स लिया था अपने बर्थडे के लिए, जो कि मैंने अपने बर्थडे के ब्लॉग में जलाया था, वो मैं आपको अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट वो वाली वीडियो मैंने फोड़ा है अपने बर्थडे के ब्लॉग में, तो आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर डिस्क्रिप्शन में ना हो तो रिकमेंडेड वीडियो में मेरा बर्थडे ब्लॉग देख लेना 2024 का, तो उस पर काफ़ी अच्छा फटा था यार वो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं ये वाले कुछ बम में। ये अराउंड आपको 25 से 30 रुपये में मिल जाते हैं मार्केट में, अगर आप होलसेल मिलोगे तो आपको और सस्ते मिल जाएंगे 22 से 20 रुपये के अंदर। ठीक है, रिटेल में तो काफ़ी महंगे मिलते हैं यार, 50-50 रुपये के बिकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं एक और स्काई शॉट में। बिगेट का स्काई शॉट है, छोटा वाला, एंड ये मतलब अगर बड़ा स्काई शॉट आप नहीं लेते हो तो छोटे स्काई शॉट से भी काम चल जाता है, अच्छा फटता है ये वाला, ऊपर जाके स्टार बनता है। इसकी MRP कितनी दी है, 300 रुपये इसकी MRP दी है, यानी 300 रुपये में ही बिकता है रिटेल में, बट ये अगर आपको लेना हो तो 100-110 रुपये में मिल जाता है। ठीक है, देन इसके बाद अपन बढ़ते हैं कुछ फुलझड़ी में, जो कि मैं इतना फ़ैन नहीं हूँ इस फुलझड़ी का, मैं लाइटर ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, देन अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट है ये बड़े वाले स्काई शॉट, ये कुछ इस टाइप के हैं।
काफ़ी बड़े एंड स्काई शॉर्ट से आया है ऐसा यार, मेरे टी शर्ट का भी कलर है एंड मैंने अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च कर दी है, तो लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। छोटा सा ऐड था ये मेरी वीडियो के अंदर। तो अपनी मर्चेंडाइज गाइस लॉन्च हो गई है mtm.merchandise, तो वहाँ से आप जाके टी शर्ट्स हुडी स्वेट शर्ट्स वगैरह खरीद सकते हो। दिवाली भी आ रही है तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं काफ़ी सारे अपने कूपन कोड देता रहता हूँ, जैसे 5% off, 10% off, तो ऐसे आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करोगे तो वहाँ पे मैं कूपन कोड डाल दूंगा, तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जाओ, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से शॉपिंग करो। देन ये वाला स्काई शॉट अराउंड आता है 150 से 250 के बीच में, रिटेल में तो 400 तक में बिकता है यार। इसकी MRP है गाइस 800 रुपये की। ठीक है, अगर आपको इसकी टेस्टिंग देखनी है तो आप मेरी टेस्टिंग वीडियो जाके देख लेना, लास्ट ईयर वाली, उसमें मैंने काफ़ी सारी ये वाले स्काई शॉट टेस्ट किए एंड इसको मैं काफ़ी जल्दी भी टेस्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। एंड गाइस आपको पता है ना 1000 लाइक्स का टारगेट है, तो जल्दी से लाइक करो इस वीडियो को। नेक्स्ट है ये वाला सेम स्काई शॉट इसकी तरह, इसकी भी MRP थोड़ी कम है यार, ये क्योंकि लास्ट ईयर का था, मतलब एक साल पुराना है उस स्काई शॉट से। 696 रुपीज़ इसकी MRP। ये पिंक वाला स्काई शॉट है, बट ये ऊपर जाके क्या बोलते हैं, सिल्वर कलर का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट हो ही गया है ये वाले टॉप टाइगर के, इसको मैं देसी वाला सूतली बोलता हूँ, कुछ इस टाइप के होते हैं, काफ़ी तेज फटते हैं, 60-70-80 रुपये में आ जाता है। इसके अगर हम अपन MRP देखें तो MRP लिखी नहीं है इसमें, क्योंकि ये रिटेल प्राइस में बिकते हैं, दिवाली के दिन तो ये बहुत 150-200 तक में भी बिकते हैं। ठीक है, तो देखो अपने ऑलमोस्ट हो गए क्रैकर्स यार, इसमें सारे सेम ही है जो कि मैंने आपको दिखा दिए। ये वाले और कुछ कलर कोठी है, ये वाली बड़ी वाली कलर कोठी है एलिफेंट कंपनी की, काफ़ी अच्छी चलती है। एंड इस साल यार मैंने देखे जो सेलर्स हैं ना वो ब्रांडेड नहीं बेच रहे, जो मतलब कम जाने माने क्रैकर्स है वो बेच रहे हैं। ये आ गया अपना डबल साउंड, ये क्योंकि मेरा फेवरेट है डबल साउंड गाइस, एंड ये आपको मिल जाता है अराउंड 350-350 तक आपको 10 पीस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सीन रहता है। एंड ना इस बार ये सेलर्स जो है ना अपने जैसे एलिफेंट कंपनी, सनशाइन कंपनी, सुप्रीम कंपनी, ये सब के फायरवर्क्स थोड़ा कम बेच रहे हैं, क्योंकि जो अभी न्यू ब्रांड आ रहे हैं उनको ज़्यादा प्रमोट कर रहे गाइस, क्योंकि वो थोड़े सस्ते भी मिल जाते हैं, उसमें उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है एंड वो बचते अच्छे। तो मैंने मार्केट में अभी तक ये देखा है, बाकी भी और अपन मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, उसके ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। अपन और मार्केट एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें पता लगेगा कि और अभी क्या चल रहा है मार्केट में, तो अभी जितना मेरे को पता लगा है तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, एंड रेट का उतना फ़र्क नहीं हुआ गाइस, सेम ही रेट है लास्ट ईयर से, और थोड़े भी सस्ते मिल रहे अपने को पटाखे, जैसे कि न्यू ब्रांड आ रहे हैं तो न्यू ब्रांड थोड़े सस्ते अपने पटाखे बेच रहे हैं, तो ये सीन है। तो यार देख लो अपने सारे, ये सारे हो गए पटाखे, तो आप बताओ इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा। मेरे को सबसे अच्छे मर्करी वाला और नेपट्यून वाला स्काई शॉट अच्छा लगता है, ये सारे प्लैनेट्स हैं अपने अर्थ में, सोलर सिस्टम में, वो सारे ये वाले स्काई शॉट लॉन्च करते हैं लोग, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें मेरे बड़े वाले भी फायरवर्क्स थे, बट वो शायद मैंने जला के ख़त्म कर दिए, तो ये सीन था। तो आप लोग बताओ इसमें से आपको कौन सा सबसे बेस्ट फायरवर्क लगा, मेरे को तो ये वाला स्काई शॉट, कमेंट करो। दोस्तों आई होप आप सब ये वाला वीडियो एंजॉय किया होगा, चलो उस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल कर दो सब्सक्राइब। एंड हाँ, आई नो गाइस बैकग्राउंड इज चेंज्ड, एंड आपको नहीं पता तो ये मेरा पुणे का घर है गाइस, तो मैं पुणे में आ गया हूँ, एंड ये वीडियो आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, आज वैसे 2nd of September हो गई है, तो मैं यार काफ़ी बिजी हो गया था सतना से पुणे आके, क्योंकि मंथ एंड चल रहा था एंड मैं फाइनेंस कंपनी में हूँ, तो आपको तो पता ही है फाइनेंस कंपनीज में जब मंथ एंड आता है तब लग जाते हैं, तो आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे, सो इसलिए मैं थोड़ा बिजी हो गया था, बट सो सॉरी गाइस एक हफ्ता वीडियो लेट हो गया, बट ये वाला वीडियो आई होप आप सब इन्जॉय किए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अब आएगा, एक शॉपिंग व्लॉग है, आप मैंने एक बनाया था शॉपिंग व्लॉग, वो भी अभी पेंडिंग था डालना, तो वो मैं शॉपिंग व्लॉग डाल दूंगा आप सब। मैं काफ़ी लोग के यार इंस्टाग्राम के मैसेज पढ़ रहा था अभी, मैं काफ़ी लोग को रिप्लाई किया, तो सब लोग बोल रहे थे कि यार वीडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है, मैंने बोला ओके मैं आज डालता हूँ वीडियो। अभी बस 9 बज रहे रात के, मैं ऑफिस से 8-8:30 बजे आया, जल्दी से मैंने चेंज वगैरह किया और मैं आउट्रो शूट कर रहा हूँ, तो मैं एडिटिंग कर रहा था अभी जस्ट, मैं सोचा चलो आउट्रो बना लेते हैं। तो आई होप आप सभी वीडियो एंजॉय की होगा, चलो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को तो सब्सक्राइब। इस वीडियो का लाइक एम है 1000 लाइक्स का। आई नो गाइस अभी थोड़ा हम लोग के वीडियोज़ का व्यूज़ कम आ रहे हैं,
बिकॉज मैं ज़्यादा पोस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ एंड मैं ज़्यादा कॉन्टेंट अभी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं करूँगा, ठीक है, मैं करूँगा गाइस। मैं क्रिएट कर रहा हूँ कॉन्टेंट यार, थोड़ा टाइम नहीं मिलता है एंड आपको तो पता ही है पुणे में हूँ, यहाँ ज़्यादा चीज़ें मतलब चीज़ें पता है कहाँ कहाँ पर दुकानें हैं, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा जाने का, तो वो मैं जल्दी से निकालता हूँ। तो आप कमेंट कर दिया करो कि जल्दी वीडियो लाओ, तो मैं वैसे ही मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई सब वीडियो चाह रहे, तो मैं वो वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो ये सीन है और मैं अपनी मर्च पहनूँ गाइस, तो ये अपनी MTM मर्च है, तो आप इसको जाके खरीद सकते हो, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो हमारी मर्चेंडाइज है गाइस, 499 की टी शर्ट्स हैं ये वाली, काफ़ी सारी कलर्स है, ये मैंने एल साइज़ पहना हुआ है, तो आप जाके खरीद सकते हो। तो इसका कुछ साइज़ इतना है गाइस, ठीक है, तो ठीक है यार, काफ़ी मेरे को अच्छा क्लॉथिंग लगा, तो आप जाके वहाँ ख़रीद सकते हो, लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। एंड यार मैं मतलब सबसे पहले इसको वॉश करके भी देखा, तो रंग इसका ज़्यादा गया नहीं, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, उसके बाद मैंने इसको वॉश किया एंड ये वैसी की वैसी है, तो क्वालिटी में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सी मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे सपोर्ट करते रहो, मैं वीडियो डालते रहूँगा। एंड अगर 2 या 3 दिन के ऊपर वीडियो नहीं आता है, तो मैं प्लीज़ इंस्टाग्राम पे बोला करो कि यार मनीष भाई वीडियो लाओ, हम लोग को देखना है, तो मैं वैसे ही जल्दी से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, एंड गणपति बप्पा मोरिया, क्योंकि गणपति आने वाला है, ठीक है, उसके बाद वीडियो आने का, ठीक है, बाय।